युद्ध करे बिना पांडवों को कैसे परास्त किया जा सकता है? ऐसा कौन सा मार्ग है? मार्ग है, उन्हें भान भी नहीं होगा और उनका अस्तित्व सदैव के लिए मिट जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कर्ण कि शत्रु को भान नहीं होना चाहिए कि उन पर आक्रमण की तैयारियां हो रही हैं और युधिष्ठिर अब कोई सामान्य कुमार नहीं है, युवराज है, युवराज, और उस पर आक्रमण करने से पूर्व भीषण तैयारियां करनी होंगी और वो भी गुप्त रूप से, है ना मेरे होने वाले सम्राट? गुप्त रूप से क्यों? तुम तैयार हो, मैं प्रस्तुत हूं और अब तो मगध नरेश भी एक पुकार में सहायता के लिए प्रस्तुत हो जाएंगे मित्र। हाँ मित्र, जरासंध विजय पर मैं तुम्हें बधाई देना तो भूल ही गया, अद्भुत अद्भुत कारण। तुमने मगध नरेश को पराजित नहीं किया है बल्कि दुर्योधन के विश्वास को जिताया है। ये मुकुट तुम पर बहुत शोभा देता है कर्ण। मित्र, मैं भी तुम्हारा हूं, ये मुकुट भी तुम्हारा है। ये मुकुट मेरे लिए महत्व नहीं रखता, मेरे लिए केवल एक बात महत्व रखती है, ये अति शीघ्र ही मेरा मित्र हस्तिनापुर के सिंहासन पर विराजमान हो। महाराज कुमार की जय हो। भुगत ग्राम में विकट समस्याएं आ गई हैं। वहां पर अंगराज की उपस्थिति तुरंत आवश्यक है। आज्ञा दीजिए मित्र, बहुत जल्द सेवा में प्रस्तुत होता। क्या बात है मामा, क्यों रोका मुझे आपने? क्या आपको कर्ण की मित्रता और निष्ठा पर संदेह है? ना 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 ना, कर्ण की निष्ठा पर मुझे कतई संदेह नहीं ना, परंतु उचित और अनुचित को लेकर उसके विश्वास पर भी संदेह नहीं। समझ गए? और हाँ, कर्ण को हम बुलाएंगे, अवश्य बुलाएंगे, किंतु तब जब हमें एक योद्धा की आवश्यकता होगी। हाँ, कर्ण केवल एक युद्ध का पासा है दुर्योधन, केवल युद्ध का पासा, षड्यंत्र के चौपद में उसका कोई स्थान नहीं। इसीलिए उसे इस योजना से दूर रखना ही श्रेयस्कर होगा। समझ गए? वाह मामा, वाह। इसकी हर वस्तु को नष्ट कर दो। अरे इतने दिनों तक ये कर्ण के साथ रही, अविवाहित होने के पश्चात भी
ये तो पाप है, ये पतिता है, इसलिए इससे जुड़ी हर वस्तु को आज हम इस अग्नि में भस्म कर देंगे। चला दो। और नहीं तो क्या, हमारी भी पुत्रियां हैं, और अगर इसे दंड नहीं दिया गया तो इन्हें भी अनुचित करने की प्रेरणा मिलेगी। पिताश्री, आप कुछ कहते क्यों नहीं? पिताश्री, क्या आपको भी यही लगता है कि आपकी पुत्री पतिता है, कि उसने कोई ऐसा कार्य किया है जो आपके मान के विरुद्ध है? क्या आपको ऐसा लगता है पिताश्री कि आपकी पुत्री अपनी मर्यादा को पार कर सकती है? मुझे अपनी पुत्री पर विश्वास है, मुझे अपनी पुत्री की पवित्रता पर विश्वास है, परंतु तेरा पिता होने के साथ साथ मैं समाज का एक सदस्य भी हूँ, और हर समाज के कुछ नियम ऐसे होते हैं जिन्हें कोई नहीं तोड़ सकता, कोई नहीं बदल सकता, तेरा विवश पिता भी नहीं। जला दो इसकी सारी वस्तुओं को और इसे इस भुगत ग्राम से बाहर निकाल दो, यहां पर इसके लिए कोई स्थान नहीं है। आप सब की बात का समर्थन करता हूं, उचित किया आप लोगों ने, ऐसा ही करना चाहिए। जला दीजिए वो हर वस्तु जिसे रोशाली ने स्पर्श किया। कि अपवित्र वस्तु को पवित्र करने का एक ही मार्ग है कि उसे पवित्र अग्नि में समर्पित कर देना चाहिए। अगर आप सबको लगता है कि रुशाली भी अशुद्ध है तो इसे भी जला दो, परंतु इस नाते आप सबको भी इस अग्निकुंड में कूदकर अपने प्राण दे देने चाहिए, क्योंकि आप सबने भी रोशाली की वस्तुओं को स्पर्श किया। आप में और उन उच्च वर्ग के नागरिकों में कोई अंतर नहीं, वो आप पर अनीति करते हैं क्योंकि वो आपसे अधिक शक्तिशाली हैं, और आप रुशाली पर अन्याय करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि वो आपसे दुर्बल है। हाँ, रुशाली अविवाहित है, परंतु विवाहित तो मैं भी नहीं, और हम दोनों साथ थे। फिर आपने केवल रुशाली का बहिष्कार क्यों किया? मेरा क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि रुशाली एक स्त्री है और मैं एक पुरुष, या इसलिए कि मैं आपसे अधिक शक्तिशाली हूं?
आपने कहा था कि आपकी भी पुत्रियां हैं, फिर आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? मुगत ग्राम की हर पुत्री को रुशाली से प्रेरणा लेनी चाहिए कि उसने हम जैसों के उत्थान के लिए, हमारे सम्मान के लिए इस संघर्ष में हमारा साथ दिया। रुशाली के कारण मुगत ग्राम का अपमान नहीं सम्मान बढ़ा है। आज मेरे मन में खेद है कि हमारी दुर्दशा का कारण स्वयं हमारी अपनी सोच है। ठीक कहा आपने कि यह स्थान रुशाली के लिए नहीं, क्योंकि उसमें और आप में बहुत अंतर है। जब भी आपको देखता हूं तो मन धुत्कारता है कि मैं किसके लिए संघर्ष कर रहा हूं, और जब भी रुशाली को देखता हूं तो अनुभव होता है कि हाँ, मुझे उसके लिए संघर्ष करना है। आप तो रुशाली के पिता हैं, फिर भी आपने उनका साथ दिया। यदि यही कार्य आपका पुत्र करता तो क्या आप उसे अस्वीकार कर देते, उसकी वस्तुओं को जला देते? संसार की सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ा भाव विश्वास होता है। मैं रंगभूमि में सफल हो पाया, मैं जरासंध को पराजित कर पाया, क्योंकि मेरे साथ मेरी माता का विश्वास था, रुशाली का विश्वास था, और आप उसी विश्वास को अग्नि को समर्पित करना चाहते हैं। मुझे रुशाली पर विश्वास है, उसकी पवित्रता पर विश्वास है, उसकी महानता पर विश्वास है। कर्ण को हस्त्री की शक्ति पर विश्वास है। रुशाली अब जान नहीं रहेगी, रुशाली अब भुगत ग्राम में नहीं, अंग देश में रहेगी। वो अंग जो समानता में विश्वास करता है, वो अंग जो परिवर्तन का प्रयास करता है। अंग तुम्हारा स्वागत करता है रुशाली। करेगा निसंदेह महाराज, सर्प जितना सुंदर हो उतना अधिक
विषैला होता है। इस लक्ष्य ग्रह की सुंदरता इतनी होगी कि आपके शत्रु इसमें रहने का मोह नहीं त्याग पाएंगे। कुछ त्यागेंगे तो अपने प्राण, क्योंकि इस लक्ष्य ग्रह में लगी अग्नि का ताप असहनीय होगा। ज्वाला इतनी शीघ्रता से फैलेगी कि उन्हें बाहर निकलने का मार्ग नहीं सूझेगा। तो निर्माण प्रारंभ करो पुरोचन। जो आज्ञा राजकुमार। यहाँ भवन का निर्माण पूर्ण होगा। वहां पांडवों के निर्माण की तैयारी। सत्यवचन मेरे होने वाले सम्राट, सत्यवचन। परंतु जब तक पुरोचन भवन बनाएगा, तब तक क्या तुम स्वप्नों में ही व्यंजन पकाते और चखते रहोगे? मामा, आपका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य तात्पर्य मार्ग में कांटे सबको मिलते हैं। एक मूर्ख यात्री केवल कांटों को झाड़कर आगे बढ़ जाता है, परंतु एक बुद्धिमान यात्री कांटों के वृक्ष को ही समूल नष्ट कर देता है, समूल, ताकि कोई दूसरा कांटा जन्म ना ले। दूसरा कांटा? हाँ मेरे होने वाले सम्राट, दूसरा कांटा। मान लो ईश्वर की कृपा या नियति के पक्षपात के कारण पांडव लाक्षागृह से बच निकले तो? तुम्हें क्या करूं मामा श्री? विवाह। मामा क्या कह रहे हैं आप? विवाह? विवाह, और वो भी युधिष्ठिर से पहले, ताकि कुरुवंश की अगली पीढ़ी में ज्येष्ठ पुत्र तुम्हारा ही हो। सोचो, यदि तुम्हारा जन्म पहले हुआ होता तो उत्तराधिकार में पांडवों का पक्ष शून्य होता। शून्य। पांडव नामक कांटे के वृक्ष से अगला शूल तुम्हें न चुभ जाए, इसलिए युधिष्ठिर से पहले तुम्हें विवाह करना ही होगा। परंतु अचानक मेरे विवाह की बात। महामाश्री, राजनीति की चौसर पर अंतिम चाल क्या होगी, ये पहली चाल चलने से पूर्व ही सोच लेना चाहिए दुर्योधन। गुप्तचरों से सूचना प्राप्त हुई है कि कलिंग के कन्या के स्वयंवर का न्योता कल राज्यसभा में आने वाला है, और कलिंगवासी युद्ध कौशल के लिए विख्यात है। सोचो, सोचो मेरे होने वाले सम्राट, सोचो। ऐसे कुल का जामाता कोई बनेगा तो उसकी शक्ति अपने आप ही बढ़ जाएगी, और युवराज होने के नाते युधिष्ठिर को स्वयंवर में जाने को कहा जाएगा। ऐसे में तुम्हें क्या करना है, ये तुम भली भांति जानते हो मेरे होने वाले सम्राट। तुम जानते हो ना कर्ण, तुमने क्या किया है? अग्नि को साक्षी मानकर मुझे मेरे घर से अपने घर ले जा रहे हो, जानते हो ना इसका अर्थ?
मुझसे विवाह करोगे? अपना हाथ आगे बढ़ा।